भारत और वेस्टइंडीज के बीच में 5 T20 मुकाबलों की सीरीज का पांचवा और आखिरी मुकाबला हमें आज देखने को मिलने वाला है, जहां पर इस पांचवे और आखिरी T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की साइड से आप लोगों को रोहित शर्मा एक बार फिर से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। आखिरी T20 मुकाबला यानी कि मैच नंबर 4 में हमने रोहित शर्मा को काफी ज्यादा कमाल की बल्लेबाजी करते हुए देखा था, जहां पर रोहित अपनी अच्छी शुरुआत को बहुत बड़े स्कोर में तो तब्दील नहीं कर पाए थे, लेकिन सिर्फ 16 गेंदों पर रोहित शर्मा ने 33 रन की पारी खेली थी, जिसमें इन्होंने 2 चौके और 3 छक्के जड़ दिए थे, जहां पर इनका स्ट्राइक रेट 206 से भी ऊपर का रहा था इससे पहले कि अकील हुसैन ने इनको आउट कर दिया था। ऐसे में पांचवा T20 मुकाबला जो कि आज रात 8 बजे से हम लोगों को US में स्टार्ट होते हुए नजर आएगा, इससे पहले खेले गए प्रैक्टिस मुकाबले में भी रोहित शर्मा ने अपने इसी तरीके की फॉर्म को मेंटेन रखा है, जहां पर नेट प्रैक्टिस के ऊपर भी रोहित शर्मा हमें काफी ज्यादा कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, और जहां पर अपनी इस नेट प्रैक्टिस में रोहित शर्मा ने 3 चौके और उसके साथ ही 5 छक्कों की मदद से 75 रन की पारी खेली है, जिसके बाद अब ये बात काफी हद तक फाइनलाइज हो चुकी है कि पांचवें T20 मुकाबले में भी रोहित शर्मा हमें इसी तरीके की फॉर्म को मेंटेन करते हुए नजर आने वाले हैं, और जिस तरीके से चौथे T20 मुकाबले में रोहित अपने स्कोर को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए थे अच्छे स्टार्टिंग के बाद, फाइनली पांचवा T20 मुकाबला वो मुकाबला हो सकता है एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले जो कि रोहित शर्मा के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और एक बड़ी पारी खेलकर वो एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले अपने फाइनल और बहुत ही अच्छे मोमेंटम को हासिल कर सकते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए आज होने वाले आखिरी T20 मुकाबले में आपके अकॉर्डिंग रोहित कितने रन बनाएंगे। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।